आज पर्यावरण के साथ साथ इंसानी जीवन को भी प्लास्टिक से खतरा है और आज दुनिया का करीब हर देश इसके इस्तेमाल को सीमित करने की दिशा में कदम उठाने में जुटा है और भारत सरकार ने भी देशवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने का आह्वान किया है। देखिए रिपोर्ट। ১৯০৭ में जब पहली बार कृत्रिम प्लास्टिक की खोज हुई तो कहा गया कि यह आविष्कार एक नए भविष्य की रचना करेगा और जब 80 के दशक में धीरे धीरे पॉलिथिन की थैलियों ने कपड़े के थैलों, जूट के बैग, कागज के लिफाफों की जगह लेकर और खुद वजन में बेहद हल्की होकर भी वजन सहने की बेजोड़ क्षमता के साथ ये मानव जीवन का हिस्सा बन गई। जाहिर है उस वक्त किसी ने भी ना सोचा होगा कि मानव जीवन के लिए सुविधा बनने वाली प्लास्टिक एक दिन मानव जीवन के लिए ही जहर बन जाएगी। इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर के डंपिंग ग्राउंड में और आप ठीक पीछे मेरे देख सकते हैं इस कूड़े के ढेर को। आपको बता दूं इससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज सरकार को प्लास्टिक बैन करना जरूरी हो गया है। मानव जीवन में सुविधा के रूप में आया प्लास्टिक देखते देखते मानव का ही दुश्मन बन गया है। इससे सिर्फ इंसान ही जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं और इसी के चलते केंद्र की मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि 2 अक्टूबर तक प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो इस कूड़े के ढेर के पास रह रहे हैं, तो हम उन्हीं से जानेंगे कि कितनी सारी समस्याओं को उन्हें सामना करना पड़ता है। तो किस तरीके की दिक्कतें हैं आपके आगे? हमारे यहाँ इससे बीमार होते हैं लोग। एक बार ये खत्ता गिर गया था, यहाँ कई लोग मर गए थे दबकर। कुछ लोग बीमार भी हो गए थे, हॉस्पिटल ले गए उन्हें। इसमें नहर में इस साइड में डूब गए थे इसी कूड़े के वजह से। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या समस्या है, क्या मुश्किल है? मुश्किल है क्या मैडम, ये खत्ते से ही मुश्किल है। ये कूड़ा इतना है, बीमार बच्चे बड़े सब बीमार हैं यहाँ। जब ये खत्ते को इधर की साइड जो हवा चलती है ना, इतनी स्मेल आती है यहाँ रुका नहीं जाता। दरअसल प्लास्टिक के दो पक्ष है। पहला, हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने के नजरिए से उपयोगी है, लेकिन दूसरा पक्ष स्वास्थ्य के नजरिए से प्रदूषण फैलाने वाला हानिकारक तत्व है। दुनिया के 127 देश ऐसे हैं जहां प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा है, तो वहीं 27 देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं पर्यावरण के जानकार भी प्लास्टिक पर बैन को जरूरी मानते हैं। ये कूड़े का ढेर एब्सोल्युटली मुझे लगता है 22 साल 25 साल मुझे दिल्ली में हो गए हैं और 20 साल से तो मैं ये कूड़े का ढेर देख रही हूँ और बहुत अच्छी बात है। अगर एज अ कॉन्शियस, मैं बार बार इसी पे आऊंगी, एज सिटीजन्स अगर हम कॉन्शियसली ये स्टेप ले और अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि अपने आने वाले बच्चों के लिए, समाज के लिए और कहीं ना कहीं अपने लिए, एक बेटर एनवायरनमेंट के लिए हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जब प्लास्टिक बैन होगी तो इसके विकल्प भी तलाशे जाएंगे। तो क्या मिट्टी से बने सामान प्लास्टिक का ऑप्शन बनने को तैयार है और क्या पर्याप्त संख्या में मार्केट में उपलब्ध है और हो पाएगा? जाहिर है मिट्टी से बनी चीजों को प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस विकल्प को यूज में लाने में भी कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं। हमने बातचीत की मिट्टी के बर्तन बनाने वालों से। प्लास्टिक लोगों की आदत में शुमार हो गया है। जिस तरीके से लोग प्लास्टिक का यूज करने लगे हैं वो उनकी आदत बन गया है, लेकिन अब लोगों को अपनी आदत को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्लास्टिक पर जब प्रतिबंध लग जाएगा तो लोगों को और चीजें जैसे जूट बैग हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, इन सब का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए हम आ गए हैं प्रथला गांव में और यहां से आप देख सकते हैं यहां मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं। यहां से हम जानेंगे कि कैसे, कितने मिट्टी के बर्तन का प्रयोग होगा, कैसे बनते हैं और इन्हें मिट्टी में इनकी क्या समस्या है, तो इन्हीं से बात करते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए मुझे। मेरा नाम राजे। कब से ये मिट्टी का, ये कब से कर रहे हैं? खानदानी का, मेरे दादा मर गए, मेरे चाचा मर गए। तो किस तरीके की कमाई होती है, क्या होता है, लोग कितने आकर्षित होते हैं इस मिट्टी के बर्तनों से? हमारी बात सुनो, हम तो अपने त्योहारों के बर्तन बनाते हैं, हमने बिक्री का इतना बनाए दुकान के। मिट्टी की समस्या आती है क्योंकि मिट्टी की रिसाइकलिंग में टाइम लगता है, तो किस तरीके से इस मिट्टी की समस्या से आप निकलते हैं? मिट्टी जहाँ से मिल जाती है वहाँ से लाते हैं, जब तो ढूंढ डांट गए।
तो देखा आपने जिस तरीके से आज हमने जायजा लिया, लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना कि उनका क्या कहना है इस प्रतिबंध के बारे में, और यहाँ हम पहुँचे, हमने जाना, लेकिन इन लोगों ने भी यही बताया कि इनके लिए समस्या ये है कि मिट्टी इन्हें नहीं मिल पाती। अगर इन्हें मिट्टी ठीक से मिल पाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन बना पाएँ और लोग उसका प्रयोग कर पाएँ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं फराह खान, R9 TV।